हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉली ब्यूटी टिप्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो रेमेडी देने जा रही हूँ वो एक स्क्रब है। मैं एक स्क्रब बनाने जा रही हूँ जो कि बहुत इजी है और आपकी जो डस्ट है चेहरे से उसको बिल्कुल साफ करता है। और इस स्क्रब को बनाना कोई मुश्किल नहीं है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत ही इजी है इस स्क्रब को। और आपका कलर जो है बहुत ही फेयर दिखेगा इस स्क्रब को करने से। तो चलिए, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया हुआ तो, ताकि आपके पास मेरी हर रेमेडी पहुंच सके और आप मेरी हर रेमेडी का फायदा उठा सके। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कैसे हम बनाते हैं स्क्रब। इसके लिए हमने एक चम्मच चावल का आटा लिया है। आपको शायद नहीं पता होगा कि चावल जो है वो हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, स्किन को बहुत ही फेयर करता है। तो हम चावल के आटे से स्क्रब बनाएंगे। तो ये है एलोवेरा, ये मैंने एलोवेरा प्लांट लगा हुआ है, प्लांट से उतारी है, फ्रेश एलोवेरा है। तो ये आम हर जगह मिल जाता है। तो हमने क्या करना है, इस एलोवेरा को हमने ऊपर से छील लिया है, ऊपर से हमने इसको उतार लिया है और इसके ऊपर हमने इस तरह से चावल का आटा डाल देना है इस तरह से, और इसे हमने इस तरह से अपने चेहरे पर लगाना है। बहुत ही अच्छा स्क्रब है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं इसके। जो भी चेहरे में आपके गंदगी है उसको बिल्कुल साफ करेगा, बहुत ही डीप क्लींजिंग करता है ये स्क्रब। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। इस तरह से आपने राउंड करते हुए अपने चेहरे पर इसको लगा लेना है। 5 मिनट आपने इसकी मसाज देनी है और उसके बाद आपने 10 मिनट तक इसको एज इट इज छोड़ देना है। मसाज करने के बाद 10 मिनट के बाद आपने नॉर्मल पानी से इसको वॉश कर देना है। अब इसके ऊपर से साफ हो गया तो हम थोड़ा सा और डाल लेंगे। और आपने ये ध्यान रखना है, इसे आपने वीक में 2 बार ही करना है, इतना ही सफिशिएंट है। इससे आपका चेहरा जो है बहुत ही क्लियर होगा, कोई दाग धब्बे स्पॉट्स वगैरह हैं तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और अगर आपकी स्किन रूखी है, डल है, तो वो भी एकदम अच्छी हो जाएगी। नेचुरल स्क्रब है ये चावल का और बहुत ही इफेक्टिव है। तो मैं इसको वॉश कर रही हूँ, आपने इसको 10 मिनट रखना है, उसके बाद वॉश करना है। ये मैंने इसको वॉश कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आप इसको चेहरे पर इस तरह से स्क्रब कर सकते हैं, इसको गर्दन पे भी स्क्रब कर सकते हैं। बहुत अच्छा स्क्रब है ये, आप इसे जरूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे रिजल्ट जरूर बताएं कि आपको कैसी लग रही है मेरी रेमेडीज और रिजल्ट्स कैसे लग रहे हैं। मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर भी देती हूँ अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो, और मैं इंतजार करती हूँ आपके कमेंट का कि आपको मेरी रेमेडी कैसी लगती है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई रेमेडी के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।